नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है. कहा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवेन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी. है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया गया है इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है आई कैप प्लस जे कैप. है ना, ये डायरेक्शन है रूट टू से डिवाइड कर दिया गया ताकि ये यूनिट वेक्टर बन जाए. तो मैं ये कह सकता हूँ इस डायग्राम में अगर ये एक्स डायरेक्शन है या वाई डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होना चाहिए, मतलब इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा होगा. ठीक, हमें पता है कि इसके परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका मोशन किधर है, यहाँ पर देखेंगे के जेड दिया है. हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं ना वेव का, लिखते हैं जैसे कि वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो के साथ में ये जो एक्स रहता है वो एक्स क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, यानी ये जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा. तो उसी तरह से यहाँ पर के साथ में जेड है तो ये वेव जो है जेड डायरेक्शन में चल रहा होगा. जेड डायरेक्शन जो है वो देखेंगे इधर आएगा बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो जो वेव है ये जा रहा है इधर, ऐसे समझ सकते हैं कि ये लाइट वेव है, लाइट जा रहा है इधर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से ऐसे, ये एंगल 45 डिग्री आ रहा है, 45 ये भी होना चाहिए तभी इसके परपेंडिकुलर हो सकता है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट करेगा ऐसे, और वेव जो है वो जा रहा ऐसे, है ना. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, जबकि वेव इधर जा रहा होगा ऐसे परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में. ठीक, अब आगे क्या बताया गया, कहा गया है टी इज इक्वल टू जीरो अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एट द पॉइंट एक्स वाई जेड जीरो जीरो पाई बाई के. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, जेड कोऑर्डिनेट पाई बाई के है. मतलब ये जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पर है इधर आगे पाई बाई के डिस्टेंस पर. इफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो इज वी नॉट के. वी नॉट स्पीड हो गया और के कैप डायरेक्शन बता रहा है कि ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ पर होगा और इधर चल रहा होगा, है ना. द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द वेव इज, ये डायरेक्शन बताया गया है ना. तो हमें चेक करना है कि सही डायरेक्शन किधर होगा. हमें पता है कि चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो चार्ज पार्टिकल पर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉरेंट फोर्स से, क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. ठीक, तो पहले हम लोग पता करेंगे कि t इज इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये दिया गया है ना. तो कहेंगे एट t इज इक्वल टू जीरो e इज इक्वल टू e नॉट i कैप प्लस j कैप बाय रूट टू कॉस k. इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया t इज इक्वल टू जीरो पर बताएगा जीरो जीरो पाई बाई k. तो यहां पर जेड के जगह पर पाई बाई के रखेंगे, पाई बाई के प्लस ओमेगा और टी का वैल्यू जीरो रखेंगे क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पर फाइंड कर रहे हैं, है ना. तो ये के और के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस पाई. यहां पर कॉस पाई होता है माइनस वन, तो ये फाइनली आएगा माइनस ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू. ठीक, तो चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं कि ये जो भी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के उल्टा लग रहा है ना. तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो फोर्स लगेगा वो इसके उल्टा लगेगा, है ना. ये जो भी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड था इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया गया था ये, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर. कहा गया कि जो पार्टिकल है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है,
क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या दी गई, वी नॉट के कैप। वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो वेलोसिटी इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे क्यू वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो देखेंगे, वो आएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, है ना, इधर वी है इधर वी है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकते हैं, है ना, इधर भी स्क्रू यहाँ रखेंगे और वी से बी ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाने से स्क्रू खुलता है नीचे आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी इधर ही आ रहा है। इसके आगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके आगे माइनस साइन है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही आ रहा है, यानी नेट फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है वो बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये था आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू, है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये आएगा, है ना, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, यानी उल्टा डायरेक्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो थ्री होना चाहिए।